कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से शादी समारोह के रोजगार से जुड़े हजारों लोग आर्थिक रूप से परेशान होने लगे हैं। दो वर्ष तक कोरोना की मार झेल चुके शादी समारोह से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। अलवर शहर में 14 जनवरी के बाद मलमास खत्म होने पर शादी समारोह का सीजन शुरू हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च में लगभग 5000 शादियां होनी है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से लोगों में चिंता बनी हुई है, जिससे शादियों को कैंसिल या फिर शादी की डेट को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। मैरिज होम संचालक दशरथ सिंह ने बताया कि जनवरी से फरवरी व मार्च में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। लोगों में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद में राज्य सरकार ने शादियों में 100 लोगों की सीमा तय कर दी है, जिससे लोगों में चिंता हो गई है। शादी की अब बुकिंग कैंसिल करने के लिए फोन आने लगे हैं। शादी समारोह के व्यवसाय से जुड़े काफी संख्या में लोग हलवाई, कैटरिंग, वेटर, बैंड आदि जुड़े हैं। अधिकतम मैरिज होम संचालकों ने किराए पर मैरिज होम लिए हुए हैं। मैरिज होम के लिए बिजली के बिल व नगर परिषद के टैक्स नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये आपने एक विषय किया, बहुत अच्छा किया कि ये अभी नया जो है तीसरी लहर कोरोना या फिर इनका जो भी जैसे नाम है ये आई है, और लोग अभी से पिछली बार भी जब कोरोना का काल था लोगों ने 6-6 महीने मैरिज होम बुक करा लिए, पंडित बुक करा लिए, अनेक वस्तुएं, बैंड बाजे, शादियां सब संभव हो गई थी, तो लोगों ने उसको जो है फिर डेट बदली। क्यों? कि हम शादी विवाह मांगलिक कार्य करने में हमारा एक देह हो गया कि बहुत सारे लोगों को हम बुलाएं और हमारी जो है छवि है या हम जो करना चाहते हैं उनको दिखाएं। मेरा पहली बात तो ये निवेदन है कि आप उस काल में या उस छवि में न जाएं। अब आप देख रहे हैं कि परमात्मा की जो प्रकृति का कोप जो चल रहा है। मेरा एक आध्यात्मिक से आपको एक विषय लगाऊं, हमारे जो है जब हम जमीन में धनिया बोते हैं, गेहूं बोते हैं या बाजरा बोते हैं या जो भी फसल बोते हैं, तो उनमें कई तरह की धनिया सबसे लेट उगेगा, गेहूं थोड़े से जल्दी उग जाएगा, बाजरा और भी जल्दी उग जाएगा। तो ये हम उस आध्यात्मिक और ईश्वर की और भी कल्पना करके, मेरा जो प्रार्थना था मैंने पिछली काल में भी कहा था, लोगों ने सबने जितना जिसकी जो क्षमता थी और जितना जिसका ज्ञान था वो किया, पर मेरा एक फोकस रहा और मैंने किया भी कि यज्ञ, क्योंकि यज्ञ सूर्य भगवान विष्णु का स्वरूप है साक्षात, और जिस यज्ञ के माध्यम से हम संसार की विपत्तियों को हरण कर सकते हैं कोई दूसरा साधन नहीं। तो अभी भी ये जो तीसरी लहर के कारण जो लोग जनवरी में और फरवरी में पिछले साल से बहुत ज्यादा सावे हैं, कितने सावे हैं, करीब पूरी जनवरी 14 जनवरी से 30 जनवरी तक पूरे कोई एक आधी ही तारीख कम है, नहीं पूरे हैं। फरवरी में अब की बार कई 3-4 सालों में ऐसा है पूरी फरवरी और पूरे मार्च तक, 4 मार्च को फिर अंतिम मलमास लग जाएगा। तो इन 3-2.5 महीने में बहुत बारिश आवे हैं और मांगलिक कुआ पूजन, गृह प्रवेश सब लोग पिछले साल के भी अटके हैं। तो ये फिर कोरोना के काल में लोगों ने तारीख बदलना चालू कर दिया है। लोग हमसे सलाह मशवरा भी ले रहे हैं कि पंडित जी अगली साल कर लें, क्योंकि हमारा साल तो चैत्र प्रतिपदा से बदलता है पर अंक गणित के हिसाब से जनवरी से बदल गया, तो मार्च के बाद में जो प्रतिपदा से आएगा कुछ नया संवत लगेगा। तो अब इसमें मेरा एक कारण है, आप घबराएं मत, ये जो कोरोना आया है इससे आप सावधानी रहें और परमात्मा का आश्रय लेंगे, या चाहे आप घर में बैठे मंदिर मस्जिद में भी नहीं जाएं, तो निश्चित रूप से इस रोग से, इस जाति से निजात मिलेगी और आपके सब काम संपन्न होंगे। कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो चुकी है, राज्य सरकार की भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि 100 आदमियों का शादी समारोह में व्यवस्थापित हो, आपके व्यापार पे क्या असर पड़ेगा यदि और सरकार सख्त होती है तो? सर, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने जो 100 आदमियों की संख्या तय की, इसमें हमें बैंड लाइट घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, 100 आदमी में आराम से बैठे हो सकते हैं। अगर सरकार इससे कम संख्या करती है तो वहाँ थोड़े से हमारे बिजनेस को दिक्कत होगी, तो कस्टमर भी ये सोचेंगे कि भाई जब सरकार हमें कम आदमियों का ही बारात में ले जाने को बोल रहे हैं तो फिर हम कैसे पूरी बारात का चढ़ाई स्टार्ट करें, तो वहाँ थोड़ा सा हमें लाइट घोड़ी बैंड वालों को दिक्कत होगी। और हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जो स्वादमी की संख्या इसको यथावत, जिससे हमारे व्यापार में कोई किसी तरह का इफेक्ट नहीं आए गलत तरीके का, और जो हमारी लेबर है उनको अपना काम सुचारू रूप से मिलता है। आपका नाम? मैं प्रेम राज से बैंक चेयर समिति के अध्यक्ष।